Hello everyone, welcome back to channel English Everyday and we are doing articles. And the today's topic is zero article. Zero article क्या होते हैं? Zero article वो होते हैं जहाँ पर हम articles नहीं लगाते. यानी कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ हम article नहीं लगाते. जब हम fill-ups करते हैं तो बहुत जगह पे cross लगा होता है. तो वो cross क्यों लगा होता है? तो उसके लिए हम आज का video करेंगे. Start, देखिए यहाँ पर zero articles जहाँ articles नहीं आते. एक यहाँ पे कीवर्ड की लाइन लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखना. बहुत सारे रूल्स जो हैं ऐसे ही मजाक मजाक में क्लियर हो जाएंगे. किस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S यानी साबुत, DAL दाल, MCNI मखनी, M for मैंने, G गरम, F फुल, P प्लेट, क खानी. यानी कि साबुत दाल मखनी या मखानी, मैंने गरम, फुल प्लेट खानी. तो इसके साथ ये वर्ड्स जो है ये आपको लर्न करने हैं और आपको बहुत सारे जो है रूल्स क्लियर हो जाएंगे. एस फोर जैसे हम दो चीजें लेते हैं यहाँ पे साबुत, सीजन्स और सब्जेक्ट्स. तो सीजन्स और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सीजन्स की. तो सीजन्स के साथ आर्टिकल्स नहीं आते. जैसे अब हम विंटर की बात करें तो जैसे हम कहते हैं विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, बहुत सारे सीजन होते हैं. तो हम एक सीजन को लेते हैं यहाँ पे. स्प्रिंग इज ए सीजन ऑफ फ्लावर्स. तो स्प्रिंग के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन अगर हम किसी को स्पेसिफिक बना देते हैं, किसी को पर्टिकुलराइज्ड कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा द विंटर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डेंजरस, तो हमने उस विंटर को स्पेशल बना दिया कि वो पिछले साल की थी. तो अब वो एक अगर स्पेशल विंटर की बात हो रही है तो उसके आगे तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा. तो द विंटर ऑफ लास्ट ईयर पिछले साल की जो विंटर थी वो बहुत भयानक थी. इसी तरह बात किसकी करते हैं हम? सब्जेक्ट्स की. अब सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके आगे कभी भी द नहीं आता. जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके आगे द नहीं आता. लेकिन आप किसी का विशेष सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, विशेष बना देते हो, तो उनके आगे द जरूर आ जाएगा. जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन इज नॉट गुड. अब मोहन की फिजिक्स अच्छी नहीं है. अब एक बंदे की जो फिजिक्स की बात हो रही है तो वो क्या हो गई? स्पेशल हो गई, स्पेसिफिक हो गई. वहां पर आपने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया. तो इसके साथ क्या जगह? अब हम एस के बाद किसकी बात करेंगे? डी की. अब डी से हमारे यहाँ पर डी हमारा कीवर्ड है और इसके साथ हमने दो चीजें जोड़ी हैं, डिजीजेस और डेज. अब डिजीजेस की बात करें, जितने भी डिजीजेस हैं, कैंसर, प्लेग, मलेरिया, इन सब के आगे आर्टिकल्स नहीं आते. लेकिन अब फिर भी हम इसको जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब फीवर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आया. अब हम उसी को स्पेशल बना देते हैं. जैसे द कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज. अब स्पेशली कैंसर की बात करने लगे हो आप तो उसके आगे तो आर्टिकल्स लगाए जाएंगे. अब डेज की बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. तो इनके साथ क्या होता है? आर्टिकल्स नहीं आते. जैसे ही वेंट ऑन मंडे, वो मंडे को गया. तो अगर आप इसको स्पेशल करेंगे कहीं भी, द डे ऑफ हिज बर्थडे, तो जैसे हम क्या देते हैं, तो वहां पे जहां भी स्पेशल इसको बनाया, हमने स्पेसिफिक बनाया. जैसे द संडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लेसेंट. जो लास्ट वीक का संडे था वो अच्छा नहीं था, यानी आपके साथ कुछ बुरा हुआ उस संडे को. तो आपने क्या कहा? द संडे ऑफ लास्ट वीक. तो वहां पे आपने उसको क्या बना दिया? स्पेसिफिक बना दिया. तो वहां पे आर्टिकल्स आएंगे. अब देखते हैं हम डी के बाद क्या है. ए, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं. जैसे कि अगर हिंदी में कहें तो मिठास, बुद्धिमता, ये सारी चीजें होती हैं. तो विजडम, उसके बाद हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी, उसके बाद हम क्या कहते हैं? ब्यूटी. ये सारी हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. तो इनके आगे क्या आते हैं? आर्टिकल्स नहीं आते. जैसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है. लेकिन अगर इनको भी हम कहीं पे पर्टिकुलराइज कर देते हैं तो इनके साथ द जरूर आता है. जिसे किस तरह से पर्टिकुलर कहते हैं, जिसे राम हैज द ऑनेस्टी ऑफ हिज सेंट. राम जो है वो किस तरह की ईमानदारी रखता है? एक संत जैसी ईमानदारी रखता है. तो वहां पे वो राम की ईमानदारी है, सबकी नहीं है, वो राम की है. तो वहां पे क्या आ गया? द आ गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात. लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी ले लो. तो ये हमने पिछले वीडियो में किया था कि इसके साथ आर्टिकल्स नहीं आते. अब कैसे नहीं आते? जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो
दोनों के साथ भी आर्टिकल नहीं आए। लेकिन अब हम किसकी बात करें, अब हम मान लो बात करते हैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की, तो उसके साथ क्या होगा, हमें द लगाना होगा। जैसे डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, क्या तुम बोलते हो किसको, जर्मन लैंग्वेज को। तो जब लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बाद ये वर्ड आ जाता है तो द लगता है, और उसको हमने क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया। सेकेंडली मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको प्लीज देख ले, क्योंकि मैं बार बार जो है उसको वहां से कुछ एग्जाम्पल्स उठाती हूँ, वहां की बातें उठाती हूँ। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां भी ट्रांसलेट वर्ड आता है तो ट्रांसलेट वर्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस की बात होती है उन सब के आगे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो हिंदी के साथ भी द आ गया और इंग्लिश के साथ भी द आ गया, यानी कि आर्टिकल्स कब आते, जब ट्रांसलेट वर्ड आ जाए या फिर उसको स्पेसिफिक बनाया जाए। अब हम बात करते हैं नाउंस की, हम यहां तक कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड क्या है, यहाँ पे एम, और एम से हमारा क्या है, मटेरियल नाउंस। मटेरियल नाउंस क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी अनकाउंटेबल नाउंस है मटेरियल नाउंस होते हैं, जैसे कि राइस, शुगर, वाटर, ये सारे क्या है, मटेरियल है। इन सब के साथ क्या होता है, आर्टिकल्स नहीं आते, मटेरियल नाउंस के साथ आर्टिकल नहीं आते। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें, अब जैसे कहते हैं कि राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ बिहारीज, तो राइस के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो अगर हम वही लगा दें द राइस ऑफ पंजाब इज वेरी गुड क्वालिटी, तो अब हम राइस ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जैसे कि अब जब कहते हैं गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड के आगे कुछ नहीं आएगा, तो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, तो अगर हमने किसी विशेष उसको किसी विशेष प्लेस के साथ जोड़ दिया तो उसके आगे आर्टिकल्स आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा सी, कंपनीज नेम। जितनी भी कंपनीज के नेम होते हैं उनके आगे आर्टिकल्स नहीं आते, सोनी, कोडक, फिएट, इन सब के साथ क्या होता है, कभी भी द नहीं आता या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एनआई जो की, तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, अब नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम के साथ द नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे हम देखें डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो इनके साथ क्या आर्टिकल्स नहीं आते। लेकिन अब इन्हीं को हम क्या बना दें, स्पेसिफिक बना दें, इनको पर्टिकुलराइज कर दें, कैसे कर दें। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जैसे ही हमने उसके साथ प्लेस का नाम जोड़ दिया तो वो क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो उसके साथ क्या होगा, फिर आर्टिकल आएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मील्स, मील्स क्या होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, तो आप सिंपली अगर कोई चीज ले रहे हो, कोई चीज खा रहे हो, तो आप क्या होता है, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 PM, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ब्रेकफास्ट के साथ आपने कोई भी क्या नहीं लगाया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन आप इन्हीं चीजों को अगर स्पेसिफिक बना दोगे तो कैसे आएगा, जैसे द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हर वॉज वेरी टेस्टी, वो ब्रेकफास्ट जो उसने बनाया था तो उसको आपने स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे। अब नेक्स्ट बात हो रही है हमारी मंथ्स की, तो मंथ्स के साथ क्या आता है, कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे फरवरी इज माय फेवरेट मंथ, तो फरवरी मेरा क्या है, फेवरेट महीना है। लेकिन उसके बाद हम किसी भी मंथ को क्या स्पेसिफिक बना देते हैं, कि जैसे द मार्च ऑफ 1942 वाज ए हिस्टोरिकल मंथ, तो इसमें क्या होता है कि जब भी स्पेसिफिक बनाया आर्टिकल्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम जी, जी की वर्ड है यहाँ पे गेम्स। अब देखिए कोई भी गेम्स है जहाँ पे जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, इन सब के साथ क्या होता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो जैसे क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, तो उसके बाद आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इस तरह के हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर हम स्पेशल इसको भी स्पेसिफिक बना देते हैं, कैसे, जैसे द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन। अब देखिए जो वॉलीबॉल है इंडिया का, अगर हमने उसको स्पेसिफिक बना दिया तो वहां पे क्या आ गए, आर्टिकल आ गए। नेक्स्ट की बात हो रही है फेस्टिवल्स, एफ कीवर्ड है यहाँ पे,
और क्या है फेस्टिवल्स, त्योहार, दिवाली, होली। आप जब भी ऐसे स्टार्ट करते हो तो आप क्या आता है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, आप इस तरह से स्टार्ट करते हो। तो इन फेस्टिवल के आगे क्या आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते, लेकिन जब भी इनमें से कोई स्पेसिफिक बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, जैसे कोई छोटी है द होली, द दिवाली होलीडे, तो आपने जब भी इस तरह से लिखा तो द दीपावली होलीडे आप इस तरह से लिखोगे और उनके साथ क्या जाएगा आर्टिकल आ जाएगा। अब देखिए प्लूरल नाउंस के साथ नहीं आते, अगर हम सिंगुलर नाउंस के साथ जो है वो आर्टिकल लगाते हैं तो पूरी क्लास को क्या करता है, डिनोट करता है। लेकिन अगर हम प्लूरल नाउंस की बात करते हैं, बॉयज गर्ल्स, तो उस उनके साथ क्या होता है, जब आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर खाली के कीवर्ड्स की यानी कि कलर्स की बात करते हैं। तो रेड इज माय फेवरेट कलर, तो जिसे आई लाइक ब्लू कलर, तो इससे कलर्स के साथ क्या होता है आर्टिकल्स नहीं आते। लेकिन आप उसके साथ कोई नाउन लगा देते हैं, आप उसको एडजेक्टिव बना देते हैं, तो क्या होगा उनके साथ आर्टिकल्स आते हैं। जैसे आई हैव अ रेड ड्रेस, तो आपने यहाँ पर आ लगा दी, मेरे पास एक लाल रंग की पोशाक है। तो कहानी उस दाल मखनी पे ही खत्म नहीं होती, कुछ और रूल्स भी हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए जैसे आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल प्रयोग नहीं किए जाते, और कहाँ कहाँ नहीं किए जाते ये कुछ और रूल्स है। देखिए यहाँ पे व्हेन मोस्ट कम्स विद लाइक, देखिए मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ आर्टिकल आना यानी द बहुत जरूरी होता है। लेकिन मोस्ट जब लाइक के साथ आता है तो इसके साथ आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल है विच ऑफ द स्टोरीज डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता। अब नेक्स्ट देखिए व्हेन मोस्ट मीन्स अधिकांश, अब जब मोस्ट का मीनिंग हिंदी में अधिकांश होता है तो वहां भी मोस्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे, देखिए मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, ज्यादातर लड़कियां सुंदर होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए विद रोमन न्यूमरल्स, देखिए हमारे ऑर्डिनल्स जितने भी नंबर हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ आगे क्या आता है आर्टिकल द आता है। लेकिन हमारे जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं जब ये रोमन में लिखे जाते हैं तो इनके आगे आर्टिकल्स नहीं आते। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किंग जॉर्ज फाइव, इसकी प्रोनंसिएशन, इसको जो हम बोलने का तरीका है यानी कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे किंग जॉर्ज द फिफ्थ। तो इस बात को आप ध्यान से देखिए, द फिफ्थ यहाँ पे बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, बट ये जो है वी इसके आगे द नहीं आता। तो रोमन न्यूमरल्स के साथ क्या होता है आर्टिकल्स नहीं आते। अब देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर और ये सिंगुलर नाउन, आप देखिए जैसे इसको जैसे प्रोनाउंस करते हैं इधर निधर भी बोल सकते हैं हम, और इनके साथ क्या होता है जो सिंगुलर नाउन, यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से देखिए, जिसकी जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था, ईच एवरी इधर निधर प्लस प्लूरल नाउन, जैसे कि ईच ऑफ द टीचर्स, यानी कि टीचर्स में से ईच ऑफ द टीचर्स, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है ईच टीचर, इनके बिल्कुल साथ सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो क्या होता है इनके साथ आर्टिकल उस टाइम नहीं आता। ईच ऑफ द टीचर्स होता है लेकिन अब इनके साथ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ईच टीचर इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे क्या है जो है हर एक टीचर अपना काम कर रही है। तो उसके बाद है अपोएट नॉमिनेट डिक्लेयर मेड इलेक्ट प्लस नाउन, अब देखिए अपॉइंट नॉमिनेट ये जो वर्ड्स हैं ये जहां पर भी यूज हो जाते हैं तो वहां पे उसके बाद आर्टिकल ना पहले या बाद में आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे ही वाज इलेक्टेड एमएलए, तो इलेक्टेड के बाद देखो एमएलए के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये जहां पे ये वर्ड्स यूज होंगे उसके बाद आर्टिकल नहीं आता। अब देखिए पोजेसिव प्रोनाउन प्लस सुपरलेटिव डिग्री, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं जैसे माय यू आर हिज इनके साथ, अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, जैसे बेस्ट है तो बेस्ट के साथ क्या आता है आर्टिकल द आता है, लेकिन कहाँ नहीं आएगा जहां पर इसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो अगर यहाँ पे माय आ गया तो माय क्या है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा आर्टिकल नहीं आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं वर्क की, तो वर्क जहां भी होता है उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। कैसे, शी इज एट वर्क,
तू काम पर है तो यहाँ पर वर्क के साथ क्या होगा, आर्टिकल नहीं आएगा। आगे फिर से देखिए कुछ वर्ड है यहाँ पे, नेचर, साइंस, लाइफ, डेथ, फ्रीडम, पार्लियामेंट, सोसाइटी, इन सबसे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर, तो नेचर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। ये जैसे कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज, तो इसमें लाइफ के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आया। और जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पहले भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि एवरी नेशन हैज अ पार्लियामेंट, हर एक जो है, जो भी कंट्री है उसकी एक पार्लियामेंट होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशंस की, जो फैमिली रिलेशन है, फादर, मदर, सिस्टर, आंट, इनके आगे आर्टिकल्स नहीं आते। तो देखिए जैसे ब्रदर विल कम सून, भाई जल्दी आएगा, तो ब्रदर विल कम सून, ब्रदर के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अगर इन रिलेशंस को एज ए टाइटल दिखाया जाए, कैसे, जैसे हम महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडिया, तो हम वहां के कहते हैं महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया। तो वहां पे फादर क्या बन गया, एक टाइटल है, द फादर ऑफ इंडिया, तो वहां पर क्या आता है, द आता है। अब नेक्स्ट देखिए टाइटल्स लाइक, कुछ और टाइटल है जिसे इनके साथ जो है नाम जुड़ा होता है, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया। तो अगर इस तरह से ये टाइटल्स होते हैं तो इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद बात होती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ये जितने भी प्लेसेस हैं, अगर इनके पास वहां पर जाने का हमारा जो पर्पस है वो डेली यूज का है, रूटीन का है, हम आज जैसे रोज स्कूल जाते हैं, रोज हम कहाँ जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, और सपोज हमारा जैसे कोई घर का पेशेंट है जो वहां पर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हम डेली कुछ दिनों से डेली हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो जो काम रूटीन में चल रहा है उनके साथ द नहीं आता। तो जाने के पर्पस की बात होती है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, वहां पे द स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हमारा जाने का पर्पस क्या है, वो हमारा रूटीन है, हम डेली जाते हैं जहाँ पे स्कूल स्कूल के लिए ही है और वहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखिए हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो उसका भाई अभी भी क्या है, हॉस्पिटल में है, तो इस तरह से इन वर्ड्स के आगे भी नहीं आएगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।